में कोरोना का कहर जारी है और इसकी सबसे ज्यादा मार अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील और भारत में पड़ी है, जहां पर आए दिन लाखों लोगों को संक्रमण हो रहा है। लेकिन मौत के मामले में अमेरिका टॉप पर है और भारत चौथे नंबर पर है। लेकिन इसी बीच इस खतरनाक वायरस से लड़ने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात एक किए हुए हैं। अब जाकर लाखों लोगों की मौत के बाद एक आशा की किरण जरूर नजर आई है और ये खबर आई है अमेरिका से। दुनिया की सबसे बड़ी दवा बनाने वाली कंपनी फाइजर ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका में 11-12 दिसंबर से टीका लगाने का काम शुरू करेगी। इस खबर पर पूरी दुनिया में एक तरह से खुशी की लहर दौड़ गई है। इसके साथ ही साथ भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी ऐलान कर दिया है कि साल 2021 में फरवरी मार्च से टीका उपलब्ध होगा। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी और सुखद खबर है और एक तरह से पूरी दुनिया में जो निराशा भर गई थी, अब आशा का संचार जरूर हुआ है। अब बात पहले फाइजर की प्रक्रिया की कर लेते हैं। खबरों की माने तो व्हाइट हाउस की ओर से रविवार को यह जानकारी दी गई। शुक्रवार को फाइजर और जर्मनी के साझेदार बायोएनटेक ने अपने कोविड 19 टीके के इस्तेमाल की अनुमति मांगी है और एफडीए की टीके से संबंधित परामर्श समिति की 10 दिसंबर को बैठक होनी है। अमेरिका में कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर मोंसेफ स्लाउ की माने तो हमारी योजना मंजूरी मिलने के 24 घंटे के अंदर टीकों को टीकाकरण कार्यक्रम स्थलों तक पहुंचाने की है। लिहाजा मुझे लगता है कि मंजूरी मिलने के 2 दिन बाद 11 या 12 दिसंबर से टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ खबर ये भी है कि स्पुतनिक 5 के ट्विटर हैंडल द्वारा दी गई है। जानकारी के मुताबिक इसकी कीमत फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन से काफी कम होगी। इस ट्वीट में कहा गया है कि फाइजर की घोषित कीमत प्रति खुराक की दर से $19.50 मतलब कि ₹1,446.17 और मॉडर्ना की कीमत $25 से $37 मतलब ₹1,854.07 से ₹2,744.02 तक रखी गई है। यानी कि एक इंसान के हिसाब से इनकी कीमत $39 यानी कि ₹2,892.34 और $50 से $74 यानी कि ₹3,708.13 से ₹5,488.04 आएगी। हर इंसान को स्पुतनिक 5, फाइजर और मॉडर्ना के 2 खुराक की जरूरत होगी। स्पुतनिक 5 की कीमत इनसे कहीं अधिक कम होगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे कोरोना की वैक्सीन तैयार है और बहुत जल्द आपकी पहुंच में होगी। लेकिन अभी आपको इतनी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ठंड की वजह से भारत में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है और लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसलिए आप सावधान रहें, मास्क लगाएं, बाहर जरूरत हो तभी निकलें और सरकार की गाइडलाइंस पर अमल करें, तभी आपकी जान बच सकती है और आप किसी की जान बचा सकते हैं।